फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? जय माता दी। तो चलिए, कभी कभी मन करता है ना अचानक से कि कुछ मीठा बनाया जाए, कुछ मीठा खाने को। तो और घर में दूध भी अगर ज़्यादा नहीं बची हुई है तो हम झटपट से ये छोटी सी और मीठी सी रेसिपी बना करके हम बच्चों को भी खिला सकते हैं और अपने भी खा सकते हैं। तो चलिए, उसके लिए क्या किया मैंने, आधा लीटर दूध था तो उसे मैंने विनेगर में, पानी 2 चम्मच पानी डाली विनेगर में, और उसे धीरे धीरे दूध जब बॉयल हो जाए तो उसमें डालते जाइए, तो बहुत अच्छे से ये दूध फट जाता है और हमें अच्छी वाली छेना मिल जाती है। तो मैंने भी उसे ही इसी तरह से विनेगर और पानी को पहले मिक्स किया, 2 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच पानी, और फिर उसको उबलते हुए दूध में धीरे धीरे डालती गई। तो डालने के बाद बहुत अच्छे से हमें छेना जो फट जाता है, तो बहुत अच्छे से इस तरीक़ा से अगर आप डालिए तो छेना बहुत अच्छे से फट जाता है। तो चलिए, छेना देखिए बहुत अच्छे से फट गया। तो अब छेना को हम एक चलनी में अच्छे से छान देते हैं, और क्योंकि हमें इस मिठाई के लिए छेना को एकदम सुखाना नहीं है तो उसमें थोड़ा बहुत पानी उसमें रहे, तब उसी टाइप का हमें छेना चाहिए। तो हम छेना को पूरा पानी जब निकल जाए तो उसे एक प्लेट में हम निकाल देंगे, और प्लेट में निकालने के बाद इधर क्या करेंगे कि हम दूध में, अगर आप सिंपल ऐसे भी बनाना चाहते हैं तो इसे सिर्फ चाशनी में भी बना सकती हैं, और दूध में राबड़ी बनाने के लिए अगर है तो आप दूध दूध को गाढ़ा कर लीजिए, उसमें अगर थोड़ी सी केसर डाल दीजिए, और थोड़ी सी उस अगर केसर नहीं है तो आप चुटकी भर हल्दी भी डाल सकती हैं कलर आने के लिए, और थोड़ी सी इलायची पाउडर, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। तो मैंने भी वैसे ही डाला, और उसे थोड़ी सी दूध को हमें गाढ़ा करना है, राबड़ी जैसे बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं बनाना है लेकिन थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो जाए, इस तरह से हमें दूध को गाढ़ा करना है। तो अच्छे से चीनी भी जब तक मेल्ट हो जाएगी और दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, और इधर छेना जब ठंडा हो जाए तो हमें उसे हाथ से बहुत अच्छे से मसलना है, इतने अच्छे से मसलना है कि छेना एकदम हल्का हो जाए और उसमें कहीं भी लम्स ना रहे, और बहुत अच्छे तरीके से वो सॉफ्ट, और जब हम मलना शुरू करते हैं ना तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, और जब सॉफ्ट होता है तो पता चल ही जाता है कि छेना हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। तो उस स्टेज पे तक हमें छेना को मसलना है। तो छेना मैंने भी बहुत अच्छे से उसको पहले मिल्क, अगर आपका छेना अच्छे से मिल्क नहीं होगा तो जब हम चाशनी में डालेंगे तो ये फट जाएगा। तो इसीलिए हमें इस बात की का ध्यान देना है कि छेना को हमें बहुत अच्छे से मसलना है, और जब अच्छे से हमारी इधर दूध भी गाढ़ी हो गई है तो दूध को हम गैस बंद करेंगे और छेना को खूब अच्छे से मसल देंगे, और मसल करके एक सार कर लेंगे, एकदम हल्की हो जाएगी हवा के टाइप में, बहुत कम मतलब टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, और अच्छे से बस मसलना अच्छे से है। और इसी स्टेज पे हम उसमें 1 चम्मच अरारोट डाल देंगे, क्योंकि अरारोट से क्या होगा ना कि उसे बाइंडिंग अच्छी मिल जाएगी, तो उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, अरारोट को छेने में बढ़िया से मिला देंगे। अब उसके अच्छे से बॉल बना लेंगे, बॉल एकदम चिकना बॉल हो, उसके बाद आपको जो साइज़ की छेना पायस बनानी है तो आप छोटी छोटी भी बना सकती हैं या बड़े बड़े भी। तो इस तरह से छेना पायस की पीसेस बनाइए, और उसे दोनों हाथ के बीच में रख के अच्छे से गोल करके, और फिर हल्का सा पुश कर दीजिए, उससे क्या है ना कि बहुत अच्छे से छेना जब हम इसे चाशनी में उबालेंगे तो बहुत अच्छे से ये उबल के और इसकी साइज भी बड़ी हो जाती है। तो चलिए, बन के तैयार है। अब इधर 1-2 कप पानी डालेंगे, उसमें आधे कटोरी तक चीनी डालेंगे, ज़्यादा चीनी डालना नहीं है, ताकि थोड़े से हमारी जब बॉल इसमें डाले तो वो अच्छे से अंदर तक मिठास हो जाए। तो इसलिए इसमें, अब जब भी इस एक बात और भी है फ्रेंड्स कि जब हम ये चाशनी का, हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस चीनी मेल्ट हो जाए इतने ही पकाना है, और इसे जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए, और हम गैस को धीमा नहीं करेंगे, गैस को एकदम फुल पे रखेंगे,
क्योंकि धीमा करने से बॉल टूट जाने का डर रहता है। तो इसे गैस को हम एकदम फुल आंच पर रखेंगे और जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए, जब बॉयल बढ़िया से आने लगेगा, तभी हम ये जो छेना के बॉल्स है इसको इसमें डालेंगे। और बस ध्यान देना ये है कि हमें गैस को स्लो नहीं रखना है, क्योंकि जहाँ हम गैस को स्लो रखेंगे तो ये इसके साइज़ भी बड़ी नहीं होगी और ये चिपटी हो जाएगी और टाइट भी हो जाएगी। तो इसी तरह से हम पानी उबलते ही में सारे बॉल्स को डाल करके और 5 मिनट के लिए हम इसकी ढक्कन लगा करके इसे ढक देंगे। अब देखिए आप कितना अच्छा बॉल ये उबल रहा है ना। तो अगर हमें इसे दूध में नहीं डालना है ना, तो हम सिर्फ चाशनी में डाल करके इस तरह से रसगुल्ले भी, वाइट वाले रसगुल्ले भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे ढक देते हैं, ताकि अच्छे से ढक देने से क्या होगा ना कि बहुत अच्छे से बॉयल हो जाता है। देखिए साइज़ भी कितने बड़े हो गए हैं। और जब इस स्टेज पे क्या करना है, जब अच्छे से सारे बॉल उबल रहे हैं तो हमें गैस को धीमा नहीं करना है और एकदम चिल्ड पानी रखना है एक कटोरी में अलग, और इसमें से ऊपर से निकाल करके और चिल्ड पानी में डालेंगे, ताकि इसकी शेप नहीं ख़राब होती है और ये इतने अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है कि इसके अंदर तक हम जब इसे दूध में डालेंगे तो ये अंदर तक इसके में दूध अच्छे से चला जाता है। तो इस तरह से फिर ठंडे पानी में करके 10 मिनट छोड़ेंगे और फिर हाथ से इसे दबा दबा कर इसकी जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल देंगे, और निकाल करके इसे दूध में हम डाल देंगे। डालने के बाद क्या है ना फ्रेंड्स, कि इसे आप 4 घंटे तक एकदम छोड़ दीजिए। 4 घंटे छोड़ देने से क्या होता है ना कि अच्छे से ये अब्जॉर्ब, दूध को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बहुत कम सामान में हम छेना पायस घर में बना सकते हैं। इसके लिए ना हमें पिस्ता ना काजू किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दूध रहे तो दूध से और चीनी से हम छेना पायस बना सकते हैं, जो कि बाज़ार में इतनी महंगा मिलती है। तो आप उसे घर में बना करके बच्चों को खिलाइए। तो इस तरह से मैंने सारे बॉल को डाल करके और 4 घंटे के लिए इसे छोड़ दूंगी। अब 4 घंटे के बाद इसको मैं दिखाती हूँ कि कैसा, देखिए अब देखिए बॉल में कितने अच्छे से